तो दोस्तों वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको आज सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिन बाद मिल रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं आपको जो प्लॉट है वो आपको 28x55 एक बिल्डअप प्लान है। तो इसके अंदर हम लोग 4 BHK का एक सिंपल सा हाउस प्लान दिखाऊंगा, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपको ये जो है प्लॉट आपको ईस्ट फेसिंग है, और यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिलेगा जो कि 12 फीट बाई 15 फीट 10 इंचेस का है। यहाँ से मेन डोर का एंट्री है, ठीक है, मेन डोर का एंट्री है यहाँ से। तो यहाँ से एंट्री करते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा पूजा रूम जो कि 6 फीट बाई 10 फीट का है, और यहाँ पे साउथ और ईस्ट कॉर्नर पे आपको किचन मिल जाएगा जो कि आपको 7 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का एक बड़ा सा हॉल मिल जाएगा जिसमें डाइनिंग और ड्राइंग दोनों हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन 15 फीट बाई 11 फीट 10 इंच का है। फिर यहाँ पे सामने में एक और बेडरूम नंबर फर्स्ट है जो कि 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का है, और आगे बढ़ने पर यहाँ पर आपको स्टेयरकेस मिल जाएगा जो कि इस तरह से है, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये 5 फीट 5 इंच का वाइड पैसेज दिया गया है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको आगे बढ़ेंगे तो एक बाथरूम मिलेगा जो कि 10 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का है। यहाँ पे सेकेंड बेडरूम है जो कि इसका डायमेंशन सेम है जो कि 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 1 इंच का है। यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और कॉमन टॉयलेट है जो कि इसमें सिर्फ टॉयलेट होगा, जिसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस का है, यानी कि 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस का है। फिर यहाँ पे बेडरूम नंबर 3 मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 10 फीट बाई 15 फीट का है। यहाँ पे आपको 4 फीट का वाइड बालकनी देखने को मिलेगा जो कि बैक डोर है, पीछे स्पेस है पीछे वाला आंगन में जाने के लिए। और यहाँ पे फोर्थ बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का है। तो ये सिंपल सा प्लान है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये प्लान आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू ऑल माई व्यूअर, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं दशहरा से शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत सही रहेगी तो मैं रेगुलर वीडियोस आती रहेगी जैसे कि पहले आता था। आप सभी को सभी के लिए वीडियोस उसी तरह से मैं वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।